नमस्कार। मनुष्य जिस वक्त जन्म लेता है उस वक्त की ग्रह दशा और नक्षत्रों के आधार पर जन्म कुंडली बनती है। इसी कुंडली के आधार पर वर्तमान और भविष्य की जानकारी मिलती है। जन्म कुंडली के आधार पर कर्मों को जाना जा सकता है और कर्मों के आधार पर अगले जन्म का आकलन भी किया जा सकता है। ऐसा ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। दरअसल कुंडली कर्मों का बही खाता है। आपने पिछले जन्मों में जैसे कर्म किए होंगे उसी अनुसार उपयुक्त ग्रह दशा में आपको नया शरीर मिलता है और फिर कर्मों की पूंजी से आप वर्तमान जीवन में सुख दुख और अगले जन्मों के बीज भी बोते हैं। इसीलिए कुंडली देखकर आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि इस जन्म में आपका हाल कैसा रहेगा और अगले जन्म में आपके साथ क्या क्या होने वाला है। आप धनवान परिवार में जन्म लेंगे या राजा के समान सुख पाएंगे या लंबे समय तक नरक को भोगते रहेंगे। इन बातों का जिक्र गरुड़ पुराण में भी किया गया है, जिसे भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के संवाद के रूप में बताया गया है। जन्म कुंडली आईना है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में कर्क राशि में गुरु उच्च के माने जाते हैं और यह सुफलदायी होते हैं। जिनकी जन्म कुंडली में गुरु कर्क राशि में पाए जाते हैं वह व्यक्ति धर्मात्मा और पुण्य कार्य करने वाला होता है। अपने सदकर्मों के फलस्वरूप व्यक्ति मृत्यु के बाद उत्तम लोक में जाता है और उनको जब अगला जन्म मिलता है तो वह धनवान बनते हैं। संभव है कि जब अगले जन्म में इनकी कुंडली बनती है तब गुरु लग्न भाव में बैठे हों। ऐसा व्यक्ति शुभ कर्म करने वाला होता है, धर्मात्मा होता है और कार्य भीरु होता है। चंद्रमा वृक्ष राशि के लग्न स्थान में बैठा हो तो यह बहुत भाग्यवान माना जाता है। यह सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं ऐसे जातक और ज्यादा परेशानियों का सामना बिल्कुल नहीं करना पड़ता। इनके भाग्य का फल बहुत जल्द मिलता है और जीवन में उन्नति करते हैं। साथ ही दान पुण्य के कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। सदकर्मों के फलस्वरूप अगले जन्म में भी ऐसे जो जातक होते हैं, ऐसे व्यक्ति होते हैं, वह काफ़ी भाग्यवान होते हैं और ग्रह नक्षत्रों का सुफल मिलता है। ज्योतिष के अनुसार आप बेहतरी पा सकते हैं। अगर कुंडली में आठवें स्थान पर मंगल की दृष्टि हो और लग्न स्थान पर बैठे मंगल पर शनि की नीच दृष्टि हो तो व्यक्ति कुछ ऐसे कर्मों में संलग्न हो जाता है जिससे वह इस जीवन में परेशानियों का सामना करता है। अपने कर्मों के फल से उन्हें मृत्यु के बाद लंबे समय तक नरक में भी जाना पड़ता है। ज्योतिष का आकलन यह भी बताता है, यह भी दर्शाता है कि ऐसे लोग सामान्य मृत्यु को प्राप्त भी नहीं होते, उन्हें काफी कष्ट होता है। कुंडली में अगर आठवें स्थान पर बैठे शुक्र पर अगर गुरु की दृष्टि बनी हुई है तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा व्यक्ति इस जन्म में लोगों की मदद के लिए हमेशा आगे रहता है, तत्पर रहता है और धर्म कर्म के कार्य में भाग लेता है। साथ ही लोगों को सही राह दिखाने के लिए हमेशा प्रेरित करता है। सदकर्मों के फलस्वरूप अगले जन्म में ऐसे व्यक्ति किसी बड़े व्यापारी और कारोबारी के घर में जन्म लेते हैं। उनका भविष्य जो है काफ़ी सुखद, सुंदर और उत्तम होता है। कुंडली में अगर आठवें भाव को शनि देख रहा हो और आठवें भाव में ही मकर और कुंभ राशि हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत भाग्यवान होता है। ईश्वर के प्रति हमेशा समर्पित रहता है और जीवन भर पुण्य कार्य करता रहता है। ऐसा व्यक्ति भजन पूजन में अपना जीवन व्यतीत करता है। सदकर्मों के फलस्वरूप ऐसे व्यक्ति को योगी राज का पद प्राप्त होता है या योगी राज का पद प्राप्त कराता है और मृत्यु के बाद विष्णु लोक में उनको स्थान मिलता है
अगर व्यक्ति का अगला जन्म भी होता है तो उस पर देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है। खासकर ध्यान देने योग्य बात है कि कुंडली के 11वें स्थान पर ग्रहों के राजा सूर्य और ग्रहों के राजकुमार बुध हो तो साथ ही 9वें स्थान पर शनिदेव विराजमान हो और 8वें घर में राहु विराजमान अगर है तो व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। दरअसल ऐसा व्यक्ति हमेशा सत्कर्मों में भाग लेता रहता है और जीवन भर लोगों की मदद के लिए तैयार रहता है। मोक्ष मिलने के बाद वह जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है और जीवन जो है बेहतर रहता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 8वां घर यूं तो अशुभ माना जाता है, लेकिन इस भाव में अगर अशुभ ग्रह बैठे हों तो खास तौर पर राहु, तब यह स्थान उच्च फल देना शुरू कर देता है। राहु नकारात्मक फल की जगह सकारात्मक और शुभ फल देता है, साथ ही आपको अचानक से धन लाभ भी दिलाने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति अचानक से अपनी जीवन में ऐसे अवसर पा जाते हैं जिनकी कल्पना वह कभी नहीं करते हैं और इसी के बदौलत तरक्की पा जाते हैं। साथ ही मृत्यु के बाद उच्च लोक में स्थान मिलता है। ऐसे व्यक्ति का अगला जन्म राजकुल में होता है। जातक जो है राजकुमार के जैसा, राजा के समान जीवन व्यतीत करता है। आप सब जो ही बने रहें, मिलते हैं अगले वीडियोज में। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी, वंदे मातरम।